तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये चंदन का सैलरी स्लिप है। चंदन किस में है? तो चंदन एएलपी के लिए, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के से मैं जॉइन हो गया डिपार्टमेंटल एग्जाम की तरफ। कहाँ इसका पोस्टिंग मिला, कब का सैलरी स्लिप है, कितना मिलेगा, ये सब इस बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कि 2023 नेक्स्ट ईयर है, उसमें एएलपी का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो जो कैंडिडेट एएलपी की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी स्लिप। सितंबर मंथ का था, थोड़ा लेट हो गया लेकिन था, भूल गया था मैं बनाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख सकते हैं डिवीजन थीकेपी डिवीजन चकदरपुर है। जो मंथ ऑफ सैलरी स्लिप है वो सितंबर मंथ का आप देख सकते हैं इधर, और ये सितंबर मंथ का सैलरी स्लिप है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। कुछ कुछ चीज़ को मैंने हाइड किया क्योंकि यहाँ पहले से मैं बनाता था, देख सकते हैं अब यहाँ लिखा हुआ हाइड करना है, ठीक है ना। तो ये सब हाइट के बारे में बताया गया, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। तो पहले जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये नाम है चंदन का ही था, मैंने हाइट कर दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। डेजिग्नेशन एएलपी है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक, इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्योंकि इलेक्ट्रिक अब मान गाड़ी चलती है इसलिए शायद। स्टेशन देख सकते राहुल केला है। बिल यूनिट आधार नंबर वैसे मैंने हाइट कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आप लोगों के लिए शायद, शायद के 100%। और यहाँ जैसे बर्थ पे लेवल 2 होता है, जो ग्रुप डी हो पे लेवल 1 होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना। आप देखते हैं इंक्रीमेंट डेट उसका नेक्स्ट 1 जुलाई 2023 का है, और इंक्रीमेंट डेट मैंने हर साल उन कुछ सैलरी बढ़ता है वही होता है। डेट ऑफ जॉइनिंग मेरे साथ का है, एक दिन पहले मैं से कर चुका है, ठीक है। और बैंक अकाउंट नंबर मैंने हाइड किया एक्चुअली। और इसका जो मेन मकसद है मैंने बनाने का, जब से ज़्यादा जो क्यों बनता है इसमें सैलरी, मैं बताऊंगा आपका। आप देख सकते हैं एक एएलपी और आपका गुड्स कार्ड, इसका सैलरी ज़्यादा बनता है। क्यों ज़्यादा बनता है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले आप पूरे देख लीजिए कि काहे एक्सप्लेन करूँ मैं, कैसे सैलरी बनता है उस बारे में एक्सप्लेन करूँ। जो बेसिक पे इसका 20,500 रुपये है, ये अभी अपडेट हुआ है। मेरा लास्ट वीडियो अब अगस्त का भी देखोगे तो उसमें इतना अपडेट नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी अपडेट है 20,500 है। जो इसको एरियर्स मिला, जो एरियर्स बेसिक पे मैंने उन लोगों को जो बेसिक पे था वो मतलब अपडेट नहीं हुआ था, 19,700 ही शो कर रहा था जो यहाँ का था। तो उसी हिसाब से जितना इसका 2-3 महीने का शॉर्टेज पड़ा उसका एरियर बनाकर 2,555 रुपये दे दिया गया। सैलरी रुकता नहीं है, अगर कोई कम भी पड़ गया तो उसको एरियल बना के हर डिपार्टमेंट होता है वो अपना देता है, बैंक हो या कोई भी हो, एसएससी हो या रेलवे हो, ठीक है ना। सब जो आपका पैसा पीछे छूट गया उसको एरियल बना के दे देता है। अब डीए देख सकते हैं 9,061 रुपये जो होता है 34% है अभी बेसिक का, ठीक है ना। तो आप सॉरी एक बार क्लियर कर दें, बेसिक का जो 20,500 उसका 34% निकालोगे तो 9,001 से महंगाई 72 डी एल जो मिलता है, ठीक है। एरियल ऑफ डीए का भी एरियल जो इसका शॉर्टेज हुआ था, जो 19,700 रुपये बड़ा नहीं था, 700 पे ही इसका सैलरी बन रहा था जो अपडेट नहीं हुआ था, इस कारण डीए का भी एरियल बना के दिया गया। हाउस रेंट उसका जो है 18% वो अपना दिया जा रहा है, 18 की 24% आप देख लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,206 रुपये है। किलोमीटर अलाउंस इस बार इसको कम मिला है 7,520, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 7 किलोमीटर अलाउंस, ये जो केवल एएलपी और गुड्स कार्ड को ही मिलता है, ये और किसी को नहीं मिलता है, इस कारण उनको सैलरी बढ़ी है। इस बार कम है इसका, नहीं तो हमेशा 10K के आसपास ही रहता था इसका आपका किलोमीटर अलाउंस। इसको माइलेज अलाउंस भी लोग लोकल लैंग्वेज में अपना बोलते हैं, ठीक है। तो यही है किलोमीटर अलाउंस, इसी कारण आपका एएलपी और गुड्स कार्ड का, ठीक है, सैलरी मैंने बढ़ जाते हैं 10K के आसपास मिलता है। हमें सेल अलाउंस जो बैटरी अलाउंस होता है, इन लोगों को नाइट ड्यूटी अलाउंस 1160, ठीक है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384, मतलब कोई NSPH के दिन इन लोग ड्यूटी किया था इसलिए इन लोगों को 384 एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। अब रही बात जो इन लोगों का जो डिडक्शन होता है, कटता है जो है, जो इंश्योरेंस का 30 रुपया NPS में तो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो PF था वो NPS में, और उससे गवर्नमेंट जो 200 रुपये काटता है, ये टोटल मिलकर इतना कट जाता है, ठीक है। अब रही बात कितना सैलरी बना, ठीक, इस बारे में मैं बात करूँगा। तो नंबर अब जो इसको मैंने छोड़ा था वो बताऊँगा, जो 1-9 तक इन लोग इसके पास जो लीव है उस बारे में बात करता हूँ। लीव है इसके पास 47 LAP है, ठीक है, और जो LHP है वो 40 है। LAP क्या होता है, लीव एवरेज पे, और लीव हाफ एवरेज पे LHP, इसको सीक लीव भी बोलते हैं। इसका क्या फंडा मैं पहले भी डाल चुका हूँ छुट्टी का, ठीक है। अब रही बात नंबर ऑफ़ ड्यूटी कितना दिन किया, 30 डेज का ड्यूटी किया गया, और जो ग्रॉस बना इसका 48,392 48,392 रुपये बना था,
और जो कटा था 4,246 रुपये, ठीक है। तो 48,000 48,000 के आसपास का सैलरी हमेशा बन रहा है। आप देखोगे, आप बोले इस बार एरियल बना, लेकिन हाँ इसका किलोमीटर अलाउंस घट गया, लेकिन इस कारण कवर सेम हो गया, वो वरना 10 के वो हो जाता है किलोमीटर अलाउंस इसका हमेशा। तो लगभग 48 के आसपास इसका बन रहा है। अब जो इसको ये कट रहा है जो सैलरी, मतलब अब जो नेट जो इसका अकाउंट में आ रहा है, सॉरी इसको जूम कर देते, जो इसका अकाउंट में आ रहा है 44,146 रुपये, 44,146 रुपये बन रहा है इसका। आपने इसका हर वीडियो देखा होगा, हमेशा 44,000 और 245K के बीच में ही इसका सैलरी बन रहा है। आप न्यू जॉइनिंग भी जाओगे तो आपको 40 से 42 आपको फिक्स है, इतना तो मिलेगा न्यू LP का सैलरी, ठीक है। तो बस यही था, थोड़ा लेट हो गया वीडियो, तो बताइए वीडियो कैसे लगेगा, लगा आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है LP के वीडियो, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इससे इन्फॉर्म करके मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।